إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الآية أوم ॐ भूर्वस्वः तत्सवितुर्वरिण्यं वो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयत् गायत्री मंत्र हर किस्म की तारीफात तौसीफात किब्रियाई बड़ाई हमदो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है ज़ेबा है जिसने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात बनाया हमें और आपको मुसलमान बनाया और फिर हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी के लिए फलाह व बहबूदगी के लिए हमें और आपको अगन्नाय सुपाथराई
यानी सिरात मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए अंतिम महारिषि की शक्ल में, लास्ट मैसेंजर की शक्ल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों हज़ार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लम बारिक अलैहि। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए दीन वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए, अराकीन जलसा और नीमा कला और उसके चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुज़ुर्गों, दीनी व मिल्ली भाइयों, अजीज बच्चों और पर्दा के पीछे बैठी हुई खातीन इस्लाम, मैं बिला तमहीद आप लोगों का वक़्त ज़ाय और बर्बाद न करते हुए अपने उन्वान के ऊपर आना चाहता हूँ। वो इसलिए कि रात काफ़ी हो चुकी है, आज जिस उन्वान के तहत मेरा खिताब, मेरी गुफ्तगू आप लोगों के सामने होंगी वो है नौजवानों के नाम चंद अहम पैगाम। सामेईन, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक इंसान, तवज्जो के साथ सुनेंगे, एक इंसान जब बचपना का दौर को पास कर जाता है और जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो वो इंसान अक्सर दुनिया की रंगीनियों में पड़ जाता है, दुनिया की चमक दमक में पड़ जाता है और वो इंसान फिर अपने ईमान का सौदा कर लेता है, अपने ईमान का जनाजा निकाल देता है। सामेईन, और नौजवानी के दौर में गलत कामों से बचना, बुराई से बचना, पाप और अधर्म से बचना एक नौजवान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और आप देखिए हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में आप नज़र डालकर देखिए कि आज हमारे समाज के नौजवानों का क्या हाल है, कि वो अपनी नौजवानी को किस काम में और अपनी नौजवानी को कहाँ कहाँ वो ख़त्म कर रहे हैं। सामेईन, एक बात नोट कर लीजिए, आज एक बात नोट कर लीजिए कि नौजवान एक ऐसा तबका है ना कि अगर किसी समाज का नौजवान अपनी जवानी को गलत चीज़ों में सर्व करने लगे, अगर किसी समाज का नौजवान अपनी जवानी का गलत और मिसयूज़ करने लगे तो अल्लाह की कसम उस समाज को, उस सोसाइटी को, उस माशरा को दुनिया की कोई भी ताकत तबाह होने से, बर्बाद होने से बचा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि एक नमाज, एक नौजवान समाज का, सोसाइटी का सरमाया होता है, एक नौजवान समाज के कैपिटल होते हैं। इसलिए अगर आप समाज को बचाना चाहते हैं, अगर इस कौम को बचाना चाहते हैं, इस बात को भी नोट कर लीजिए कि उस कौम को भी बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी ताकत
नहीं बता सकती। किस कौम को? जिस कौम के नौजवान लड़कियों के आदि हो जाए, गलत कामों के आदि हो जाए, लॉटरी के आदि हो जाए, ड्रीम इलेवन खेलने के आदि हो जाए, जिस कौम के नौजवान शराब के आदि हो जाए, अल्लाह की कसम उस कौम को भी तबाह होने से और उस कौम को भी बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। इसलिए अगर कौम को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, तो नौजवानों की इसलाह बहुत ज़रूरी है, नौजवानों की इसलाह निहायत ही ज़रूरी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे समाज के नौजवान, आज इनको अपनी जवानी की अहमियत और अपनी जवानी की वैल्यू का कोई अंदाज़ा नहीं है। आज हर नौजवान अपनी नौजवानी का गलत इस्तेमाल और अपनी नौजवानी का मिसयूज़ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरी है, आइए आज मैं आपको चंद पैगाम देकर जा रहा हूँ। अगर आप इसको सामने रखते हुए अपनी जवानी को सर्व करेंगे, अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे, तो यकीनन आपके समाज भी तबाह होने से बच जाएगा और आपकी कौम भी तबाह होने से बच जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको इस तरफ लेकर आना चाहते हैं कि जवानी की वैल्यू क्या है और जवानी की अहमियत क्या है अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में। आइए अपनी बात एक हदीस से शुरू करता हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। ऐ लोगों, सात तरह के लोगों को मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों, जरा इस हदीस को सुनो कि तुम्हारी जवानी की वैल्यू क्या है, तुम्हारी जवानी की अहमियत क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि सात तरह के लोगों को, सात किस्म के लोगों को, सात प्रकार के लोगों को कल कयामत के रोज, डे ऑफ जजमेंट यानी बदले के दिन, हिसाबो किताब के दिन, अल्लाह तबारक व ताला सूरज की गर्मी से बचा लेगा, सूरज की तपिश से बचा लेगा और सूरज की परेशानी से बचा लेगा, सूरज की गर्मी से बचा लेगा और अपने अर्श के साए तले जगाता फरमाएगा। सूरज की गर्मी से बचा लेगा मतलब, हाँ हदीस पर जरा गौर कीजिए, एक हदीस के अंदर मौजूद है, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं सही हदीस के मुताबिक, आज हम और आप दिन के उजाले में अपने सर के ऊपर जो सूरज को देखते हैं, आज ये सूरज हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की मुसाफत पर है, लेकिन कल कयामत के रोज एक हदीस के मुताबिक एक मील की दूरी पर आ जाएगा और दूसरी सही हदीस के मुताबिक तीन मील की दूरी पर आ जाएगा। यह सूरज जो लाखों मील की दूरी पर है, आज कल कयामत के रोज बड़ा नजदीक आ जाएगा, बड़ा करीब आ जाएगा। ऐ नौजवानों, जरा सोचो, आज हमसे और आपसे यह सूरज लाखों मील की, करोड़ों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की मुसाफत पर है, उसके बावजूद भी हम और आप सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। गर्मी के दिनों में खुदा ना खास्ता अगर रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे बिजली चली जाती है, करंट चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है, तो हमारी और आपकी नींद हराम हो जाती है, पूरी रात हम और आपको नींद नहीं आती है। हालांकि गौर कीजिए, सूरज तो रात में नहीं होता बल्कि सुबह सादिक होता है, सुबह निकलता है, शाम होते होते सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज डूब जाता है, उसके बावजूद भी रात के 12 बजे, रात के 1 बजे सूरज की गर्मी बाकी रहती है, सूरज की तपिश बाकी रहती है और हमें और आपको परेशान करती रहती है। लेकिन जरा कयामत के दिन
उस मंजर को देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सूरज लाखों मील की दूरी पर नहीं होगा, करोड़ों मील की मुसाफत पर नहीं होगा, बल्कि एक मील की या तीन मील की दूरी पर आ जाएगा। नफसी नफसी का आलम होगा, लोग सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सूरज की तपिश को परेशान यानी सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों को अपने आमाल के बकदर पसीना आता होगा, लोग पसीनों में डूबता चला जाएगा। फिर उस मौके पर, उस हालात पर और उस सिचुएशन पर अल्लाह तबारक व ताला सात तरह के लोगों को, सात किस्म के लोगों को कहेगा, ऐ बंदा आजा, तू मेरे अर्ज के साए तले आजा। ऐ बंदा आ, आज कयामत के रोज जब चारों तरफ सूरज की गर्मी से लोग परेशान है, सूरज की तपिश से लोग परेशान है, आ मैं तुमको सूरज की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगाता फरमाता हूं। वो कौन लोग होंगे, वो खुद नसीब, वो खुश नसीब लोग कौन होंगे कि जिनको अल्लाह सूरज की गर्मी से बचा लेगा? सोचा आपने कभी कौन होंगे वो? कौन? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, उस इंसान को शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, उस इंसान को सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा जिसने अपनी जवानी को किसी लड़कियों के पीछे घूम घूम कर बर्बाद ना की, ड्रीम इलेवन खेल कर बर्बाद ना की, आईपीएल देखकर बर्बाद ना की, शराब के अड्डों में बैठकर, जुआ के अड्डों में बैठकर जिसने अपनी जवानी को बर्बाद ना की, जिसने लड़कियों के साथ चैटिंग कर 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 बर्बाद ना की, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस नौजवान को सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, जिसने अपनी जवानी को सही कामों में सर्व किया, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व ताला की अदालत में सर्व किया यानी इबादत में सर्व किया, उस इंसान को जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगा दिया। मेरे भाइयों, अब जरा सोचिए कि आज हम जैसे और आप जैसे मुसलमानों को जगह मिलेगी? सुनिए मत, जरा सोच कर देखिए, ठंडे मिजाज में जरा सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखकर जरा मुझे बताइए, क्या आपको जगह मिलेगी, क्या हमें जगह मिलेगी? नहीं मेरे भाइयों, क्योंकि आज हमारी जवानी किन चीज़ों में सर्व हो रही है, किन चीज़ों में कट रही है, किन चीज़ों में गुजर रही है, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जवानी अल्लाह की कितनी बड़ी अहमियत है कि अगर जवानी को अगर आप सही चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे तो कल कयामत के रोज़ अल्लाह तबारक व ताला सूरज की गर्मी से आपको बचा लेगा।